एक बंदा है जो राहुल गांधी जो कहता है कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, मैं सबको जोड़ना चाहता हूं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि उसी पार्टी के राहुल गांधी के फेवरेट लीडर डीके सुरेश कहते हैं, कर्नाटक का केएमपी हैं, कि भारत को तोड़ना चाहिए। कांग्रेस ने 50 साल बिहार झारखंड जैसे प्रदेशों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जो देश को तोड़ना चाहता है, जो देश में लोगों को डिवाइड करना चाहता है। ऐसे फरेबी पॉलिटिशियंस को हमें एक्सपोज करना चाहिए। बजट पे रिएक्ट करते हुए कांग्रेस के एमपी डीके सुरेश ने कहा है कि जो फंड साउथ को पहुंचने चाहिए थे वो डाइवर्ट होके नॉर्थ इंडिया को पहुंच रहे हैं, और उन्होंने डिमांड किया है सेपरेट कंट्री साउथ इंडिया के लिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जहां पर बड़े बड़े नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्होंने हमारे देश को एकजुट करने के लिए काफी परिश्रम किया, और उसके कारण ही एक यूनाइटेड इंडिया बना 1947 में। इसी कांग्रेस पार्टी के आज हाल देखिए। एक बंदा है जो राहुल गांधी जो कहता है कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, मैं सबको जोड़ना चाहता हूं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि उसी पार्टी के राहुल गांधी के फेवरेट लीडर डीके सुरेश कहते हैं, कर्नाटक का केएमपी हैं, कि भारत को तोड़ना चाहिए, हम साउथ अलग और नॉर्थ अलग करना चाहिए। एक तो ये उनका हिपोक्रेसी और इनका जो बोलने में दो दो उनके नियत। लेकिन एक जरूर हमें पूछना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जो झारखंड हैं, बिहार हैं, इतने पिछड़े क्यों हैं, और उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह क्यों आज तक कम आ रहे हैं। इसका एक मूल रीजन ये है कि 1952 से 1995 तक कांग्रेस के सरकारों ने एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी चलाया, जिससे कोई भी इंडस्ट्री को इंसेंटिव नहीं था जो मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट करे। तो ये जो कह रहे हैं आज कि नॉर्थ इंडिया के झारखंड के स्टेट या बिहार में जो डेवलपमेंट और गरीबी है, डेवलपमेंट की कमी और गरीबी है, और इससे हमें हाथ धोना चाहिए, ये कह रहे हैं ये कांग्रेस है। उसका मूल कारण यह है कि कांग्रेस ने 50 साल बिहार झारखंड जैसे प्रदेशों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने एक तरह से डिसइंसेंटिव क्रिएट किया कि वहां पे बिजनेस आए नहीं, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आए, वहां पे नौकरी नहीं क्रिएट करे। तो आज 2024 में जब हम विकसित भारत के बारे में एक तरह से संकल्प ले रहे हैं देश के सभी व्यक्ति, कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जो देश को तोड़ना चाहता है, जो देश में लोगों को डिवाइड करना चाहता है। और कांग्रेस से हमें ये सब हम सब मिलकर एक प्रश्न पूछे कि झारखंड बिहार ऐसे प्रदेश में इतने दशकों से क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इसका भी एक व्हाइट पेपर और इसका भी एक चर्चा होना चाहिए, और ऐसे फरेबी पॉलिटिशियंस को हमें एक्सपोज करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।